उनको देती हैं तो अगर केस दे दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा अच्छा ओ हाँ, मतलब उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है. ओके उसने ही बोला मेरे को. मैं सर फर्क क्या पड़ रहा है, मतलब क्या एक आदमी की सोच खराब हो रही है ये कम होता है. वैसे एक बात आदमी मन ही मन सोचे कि भाई मैं क्या जिगोलू तो ठीक है मेरी बॉडी अच्छी है. मैंने कहा सर कुछ फीलिंग्स भी तो होती है. कह रहा मॉडलिंग मॉडल में अगर आना तो फीलिंग्स नहीं रखनी पड़ती ये वो. मैंने कहा अच्छा जी. मैंने कहा बढ़िया. तो वो बंदे ने कहा कि गो टू द किचन ग्रैब सम टी. तो मैं गया भाई किचन में. तो मैं किचन में गया, चाय पड़ी थी मैंने गरम की. तो पीछे से बंदा आया. हाँ हाँ पीछे से आया और हक कर लिया. वो बंदा एजेड बूटा. मैं थोड़ा माइंड सेट करके गया था कि मुझे पता है बंदा ऐसे नहीं करेगा. चल ठीक है हक कर लिया. तुमने उसको ऐसे झड़का या फिर मुझे मुझे बंदों ने पहले बोला भाई जा रहा ना बेशरम बन के जा. वो पक्का बोलेगा कुछ ना कुछ. तो मैंने होगा तो भाई मैं खड़ा हूँ. तो मैं हंसने लग गया. मैंने कहा क्या हुआ सर रोमांटिक हो रहा आप तो बड़े. तो उसको लगा मैं पुश करूंगा उसको पीछे कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो. तो उसने हक करके उसने मेरे कान में बोला गुड जॉब. गुड जॉब. हाँ कि तुमने मेरे को झटका नहीं. झटका नहीं या हक करा. मैं हंसने लग गया. तो कह गुड जॉब. मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है. पीछे खड़ा रहा फिर गर्दन पे किस कर दी उसने. मैंने कहा ओके कंट्रोल योरसेल्फ सर. आई नो वी आर अलोन बट कंट्रोल योरसेल्फ. क्या करूं तुम इतने हॉट हो ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा. मैंने कहा अच्छा. तो फिर ना मुझे पता था वो कुछ करने वाला है मेरे साथ आज. उसने फिर मैं ऑफिस में गया अंदर तो एक जीरो वाट का बल्ब नहीं होता सिर्फ वो जला रखा सारी लाइटें बंद. और जिस सोफे में बैठे थे मैंने नोटिस किया कि बेंचेस पे सोफा कम बेड वाला सोफा है. मतलब कि अभी हो जाए शुरू मतलब ये सोफा मतलब ऑफिस का ये सीन था. ये सोफा है यहाँ बंदे बैठते हैं. इधर सारी पिक्चर जानू की सोफा कम बेड लगा रखा है. इधर सारी पिक्चर लगी हुई है मॉडल्स की. सामने उसका डेस्क है टेबल है और इधर एक खिड़की है बाहर देखने के लिए. और ये उसका पूरा ऑफिस एरिया है कोने में. और यहाँ बंदे बैठते हैं. तो उसने ऐसे लगा रखे कि अगर करना भी हो तो बंदा लेट जाने से मैं सोफे का बेड बना दूं. तो मैं ऐसे मतलब पूरे कंफर्ट के साथ. तो मैं ऐसे देख रहा था. तो मेरी बुआ जी के घर पे भी था सेम. अरे तो बेड बन जाता है ये कोई वाला है. मैंने कहा सर आपने सोफा कम बेड लगाया है. कह रहे हाँ जगह कम मिलती है आजकल. उसने मुझे बोल दिया फिर वो हो गया क्लोज. और क्लोज आ गया बॉडी पे. नहीं फिर वो फिर क्या किया फिर उठ के यहाँ बैठ गया सोफे के. ऐसे कैसे गया आज तेरा आज तेरा काम कर देगा. ऐसे कैसे या तो तेरा चूसेगा. हाँ. अरे कुछ करेगा. हाँ. क्या करूँ. तो मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ. और मेरी माँ भगवान बन के आ गई मेरी जिंदगी में. मेरी माँ का आ गया कॉल. अच्छा हाँ हाँ. कहाँ है जल्दी आ जा. जल्दी आ जा. दिल्ली की बात है क्या. दिल्ली की बात है. ओके जल्दी आ जा. सोनी को ना 5 बजे स्कूल से नहीं आया वो. अच्छा और टाइम क्या हो रखा था उस टाइम. 8 बजे टाइम 5-6 बजे थे. अच्छा और सोनी आज मेरे भाई आता 3 बजे स्कूल से आया नहीं 6 बजे तक. करीब ना करीब फोन वोन भी नहीं है. स्कूल फोन किया छुट्टी हो गई. हाँ. पापा आया नहीं तो करीब घबराहट हो गई मुझे. आता पता नहीं उसका. तो मैं 3 घंटे तक मैंने ढूंढा सोची तुझे कॉल कर दूँ तू बिजी था. तो उसने सुनिए बगल में कह क्या हो कह रहा क्या हो गया. मतलब ऐसे ऐसे बात हो गई है. तो उसका मन नहीं था भेजने का. कह रहा रुक जाओ ना 1 घंटा मिल जाएगा. वो चाह रहा था यार से लॉटरी लग गई फ्री में मिल गया लौंडा. मैंने कहा भाई है मैं तो मेरा सर. कह रहा अच्छा मैं सर जाना पड़ेगा. तो मैं गया. तो जैसे ही मैं निकला ना मुझे व्हाट्सएप पे उसने भेजी स्माइली गुस्से वाली. ओ गुस्सा आ गया उसको. गुस्सा आ गया. निकल गया भाई बिना कुछ करवाए. मेरा टाइम वेस्ट कर दिया. फिर बगल में आके बैठ गया. तो इस बार ना पता नहीं क्या स्विच दबाया उसने अंधेरा कर दिया. अच्छा अंधेरा कर दिया बंदे ने. हिडन स्विच. मैं कहा क्या हो गया आपने बंद कर दिया. तो बंदा कह रहा ऐसे उंगली पर रखा और यहाँ ना केस करने लग गया गले पे. हाँ
मैंने कहा बहन जो आज तो मैं गया, आज तो मैं मेरी माँ का कॉल आएगा, भाई भी करते आज तो कुछ हो नहीं सकता। फिर या तो मेरी किस्मत ही बहुत अच्छी है, अब क्या हुआ, कोई बेल कोई डोर पे आ गया टिंग टोंग ये तो ओ भाई मेरे दिल की धड़कन ऐसे बैठ गई टिंग टोंग। मैंने कहा सर कोई आया, आने दो। मैंने कहा सर देख तो लो कौन है, तो देखा कोई दूसरा मॉडल आया हुआ था उसको याद नहीं रहा, उसने बुलाया था उसको भी। तुम कहाँ से आ गए, सलमान नाम तक तुम कहाँ से आ गए, सलमान नाम था, हाइट क्या थी, 6'4" ध्यान नहीं दिया मैंने, निकल गया। सलमान नाम की लड़की को मैं भी जानता हूँ, वो भी घूमता है बहुत। क्या नाम है सलमान पूरा, पूरा नहीं पता, बस सलमान ही। सलमान राज कुछ नाम था उसका, नहीं वो तो नहीं, वो लंबा लंबा है 6'4" सलमान मेरे बगल में बैठ गया, वो सामने ऐसे बैठ गया। बकरी जैसा मुंह था क्या उसका, मुंह फुला के नहीं ठीक, मतलब मुल्ला था वो, ठीक ठाक था, तो ऐसे बैठ गया मुंह फुला के। मैं सर क्या हो गया आपको, कर कुछ नहीं आकाश, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें शो के दिन मिलूंगा। मैं कहा सर शो कन्फर्म है मेरा, करा हाँ अब कर लिया मैंने, आ जाना तुम 27 को, और फिटिंग्स के लिए ना एक घंटे पहले आ जाना। हाँ वो फिटिंग वाले दिन में चलिए, कुछ किया भी नहीं भैया और काम भी मिल गया बढ़िया। हाँ मैंने कहा चल सलमान ऑल द बेस्ट भाई। तो सलमान ने कहा तू नंबर दिया रहा अपना, तू अच्छा बंदा तुम्हें, हाँ मतलब थोड़ी 5 मिनट बात कर, और वो नहीं चाहेगा कि तुम दोनों आपस में फ्रेंड बनो। हाँ हाँ वो सुन रहा था क्योंकि वो नहीं चाहेगा, उसने मेरे को भड़काया कि सलमान का नंबर मतलब अच्छा लड़का नहीं है। बाद में मैं सर अच्छा बंदा तो उसी टाइम उसने देख रहा नंबर ले रहा, पर सलमान अच्छा बंदा है उसने इसलिए बात ना कर रहे। तो मैंने सलमान से पूछा, फिर वो कह रहा ना, फिर वो सलमान कह देगा भाई कि मेरे को 5 बार यूज कर चुका है ये। मैंने कहा सलमान तेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो सलमान कह रहा भाई इसने तो फुल ब्लो जॉब दिया मेरे को, और मेरे से कह रहा मैं मुंबई चला गया, और तुम करवा नहीं पाया। तुम्हारी फोन पे बात हुई थी उसी दिन, हाथ की हाथी हो गई थी बातें सलमान से। सलमान से मैंने बाद में पूछा था, बाद में मैं कभी मैसेज में नहीं पूछता, फोन करता हूँ। मैसेज में अगर स्क्रीनशॉट, पर सलमान को काम वाम दिया उसने, सलमान तो उसका फेवरेट बना हुआ है, काम दिया मतलब, अगर वो तुम्हारे को भी करता तो वो तुम्हें भी काम देता। मेरे को हाँ उसने मेरे को इतना नहीं दिया, मेरे बोल रहा था तेरे को शायद काम नहीं दिया उसने इतना। मैंने कहा हाँ क्यों, कह रहा थोड़ा गुस्सा तेरे से बोल रहे थे, बंदा आता नहीं मेरे पास। हाँ उनका मतलब ये आ जाए फ्री टाइम में बैठ जा, तू कैसे कर लेता है, कह रहा भाई मैं तो पी के आ जाता हूँ एक आध बियर, मेरा मन ऐसा हो जाता है। और फिर भाई सीधी सी बात है कि उसे कुछ तो कुछ नहीं करना ना, और वो बंदा यूपी से आया हुआ है, तो उसको मतलब उसको डेडलाइन दे रखी उसके घर वालों ने, या तो तू 6 महीने में अच्छा काम करके नहीं तो वापस आ जा, वापस आ जा और पापा की दुकान है उसकी वहां बैठ जा, कोई मॉडर्न की जरूरत नहीं है। उसने कुछ ना एक आध करके उसने मतलब 6 महीने में 1-1.5 लाख जमा करके घर भेजे कि मम्मी कुछ कर रहा हूँ। फिर मम्मी पापा खुश, भाई 1.5 लाख आ गए, तो उन्होंने बोला कि अब 6 महीने, और गांव के बंदे अगर 1.5 लाख देख लें, चाहे 6 महीने चाहे 1 साल, 1.5 लाख भेजे लड़की ने एक साथ कैश, खुश हो गए, कह रहे चल तू कर ले। अब उसको 2 साल हो गए बंदे को, ठीक कर रहा है वो काम, वहाँ बढ़िया कर रहा है। ये तो मतलब इनको वही है कि क्यों करूँ मैं आपके लिए, कोई बेनिफिट है क्या है कुछ है। You're right. ये मतलब इनको हमेशा बेनिफिट दिखाओ इनका। अब जैसे मेरे जैसे हजारों की भीड़ है तो मैं अलग क्यों दिखूं भीड़ में, अगर तुम उनको कुछ तो वो है, अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे पीछे और बंदे हैं, तो वो तो, और थोड़ा ये भी है कि पोजीशंस का फायदा भी उठाते हैं। और मेरी क्या थ्योरी है कि ना हमने इनकी आदत बिगाड़ी है कि जैसे ये बोलते हैं ना करने के लिए, हाँ। तो कुछ मॉडल सोचते हैं अगर कर लूंगा तो काम हो जाएगा, हाँ, तो हाँ 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 करके ना मॉडल्स की हाँ उनका वो हो गया। एक दिन मैंने अपने भाई इनको तो हाँ करनी है, एक दिन मैंने अपने फ्रेंड अगर शुरू से ही मॉडल ना करते ना तो ये कभी इंडस्ट्री में होता ही नहीं। भाई मैंने एक दिन अपने एक फ्रेंड को ना व्हाट्सएप भेजा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसमें ये लिखा था कि जो डिजाइनर होते हैं वो अच्छे मॉडल्स के साथ काम ही नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके आगे कंडीशंस रख देते हैं, और फिर अच्छे जो सुंदर स्मार्ट बंदे हैं वो पीछे हट जाते हैं। सच में नहीं, एक बात नहीं, आप देखो ना कितने गंदे गंदे लोग मॉडल बन जाते हैं आजकल, वो इसलिए क्योंकि वो और उनसे सुंदर सुंदर लोग कैसे पीछे रह जाते हैं। हाँ, मैंने उसको ये भेजा, मैंने कहा बताओ डिजाइनर्स जो है ना मतलब अपनी इच्छाओं की वजह से, अपने लस्ट की वजह से अच्छे लोगों के साथ काम ही नहीं कर पाते, अच्छे लोगों के साथ काम ही नहीं कर पाते क्योंकि फिर उनको क्या जो हाँ भरेगा उसी को काम देना पड़ेगा, और वो जो इनकी शक्ल सूरत नहीं होती वो जल्दी हाँ भर देते हैं ये सोच के कि यार हमें वैसे तो कोई काम मिलेगा नहीं, चल ऐसे करके मिल जाए। खैर छोड़ो, अब हम अभी तुम्हें एक टॉक देनी है अच्छी सी हेल्थ के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बोल देना है।